हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ कान्हा जी के कपड़े, लड्डू गोपाल जी के कपड़े कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके से आप बनाएंगे जैसे मैं सिखाऊंगी। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास ये कपड़ा है, मैंने पहले से कटिंग करके रखी हुई है ताकि वीडियो फटाफट मैं बना सकूं, ज़्यादा लंबी ना बनाऊं। ये देखिए 2 इंच, ये देखिए ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है, यहाँ से यहाँ ये देखिए 2 इंच है। और ये लंबाई जो है 3.5 इंच है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंच है। और ये मैंने ये दो कपड़े आप देख रहे होंगे, ये अंदर से अस्तर ले रखा है। आपकी इच्छा है, आप अस्तर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं, इसी कपड़े को डबल कर लीजिए चाहे तो। मैंने यहाँ पे अस्तर ले रखा है। तो ये हो गया चोली ऊपर की, ये देख रहे होंगे आप, ये यहाँ से ये 2 इंच लेंगे, ये लंबाई है घेरे की नीचे, तो ये है 2 इंच। और ऐसे में लंबाई घेरे की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक 12.5 इंच। तो ये 2 इंच हुआ और ये 2 इंच हुआ और ऐसे लंबाई हुई 3.5 इंच। और ये 2 इंच हुआ और ऐसे लंबाई हुई, चौड़ाई हुई हमारी 12.5 इंच। तो ये ऊपर का और ये नीचे का है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक लेस है, इस तरह की लेस आप ले सकते हैं। तो मैंने इस टाइप की लेस ली है, और ऐसी ना हो तो आप दूसरी भी ले सकते हैं जैसी आप चाहें। तो ये देखिए मैंने इसको लिया है, मैं इस लेस को ऐसे रखूँगी सीधी तरफ से, ये उल्टा हिस्सा है और ये सीधा हिस्सा, तो सीधी तरफ से मैं इसको ऐसे रख के इधर से भी सिलाई लगा दूँगी और ऐसे रख के इधर से भी सिलाई लगा दूँगी। इसको मैंने यहाँ से दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए। अब मैं इसको ऐसे करके फोल्ड कर दूंगी, ऐसे करके फोल्ड करने के बाद ये देखिए, फोल्ड करने के बाद यहाँ से कटिंग कर दूंगी। देखिए मैंने कटिंग कर ली है, अब मैं इस लेस को इधर की तरफ से ऐसे करके सिलाई लगा दूंगी इधर भी, और इस वाले पार्ट में भी ऐसे करके सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ सिलाई, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऐसे करके दोनों में लेस में सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे, इसको ऐसे करके फोल्ड करके यहाँ ऊपर से एक एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये इसमें मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। ये देखिए इसमें चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है ऐसे करके। अब हम बनाएंगे ये जो एक्स्ट्रा धागा होता है, इसे निकाल देती हूँ। अब ये देखिए ये हो गया, ठीक है, ये है ऊपर की चोली। तो अब हम इसको देखिए, इन दोनों को ऐसे रखिए, इसको बराबर में फोल्ड कर लीजिए। चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, जो आसान है। ऐसे देखिए बराबर कर दिया मैंने, अब इसको आप ऐसे खोलिए और ऐसे लिए बराबर में रखिए। अब ये देखिए कि हमें गला कितना बनाना है, हमने ये है, आप बराबर हमने जो किया था निशान लगाई थी, आपको ऐसे में दिख जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको और इसको ऐसे रखेंगे, ये और ये, इस लेस के ऊपर इस वाली लेस को रखेंगे, ठीक है। ये जो लेस दिखाई दे रही है आपको, इस लेस के ऊपर ये वाली लेस रखेंगे,
और जितना ये बराबर है, जितना पार्ट इधर है जितना पार्ट इधर है, ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है। तो आगे के पार्ट में आप आधा इंच के करीब पे निशान लगा दीजिए और उतने तक ही सिलाई करिए। देखिए मैंने लगा दिया है। अब सिलाई कैसे करेंगे आप, इस वाले को इस वाले के ऊपर रख के सिर्फ इतना सिलना है। कितना सिलना है देखिए, ये जो निशान लगाया मैंने इतना सिलना है और इतना खुला रहने देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके इतना सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए इसको मैं ऐसे रख दूँगी और जितना मैंने आपको बताया निशान इतना ही सिलना है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा दी है और ये गले का हिस्सा इतना आगे खुला हुआ है। तो इसे फोल्ड करेंगे जब, ये देखिए इसे जब ऐसे करके फोल्ड करेंगे तो ये गले का हिस्सा, गले का पार्ट ऐसे करके आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये तो हो गया गला। अब हम बनाएंगे किनारे बगल का। अब इसको जब ऐसे उल्टा कीजिए और ये इधर से आधा इंच के करीब, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, आप ये देखिए एक इंच, चलिए एक इंच से, एक इंच के करीब आप बगल छोड़ दें, एक इंच के करीब बगल रहने दें और बाकी ये जितना पार्ट है इसको सिल दीजिए। एक इंच के करीब बगल को रहने दें, इससे खुला रहने दें यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। और बाकी जितना हिस्सा है, ये पार्ट है, इसको सिल दीजिए। ये देखिए ये मैंने यहाँ से सिल दिया है दोनों तरफ से और ये हमारी ऊपर की चोली बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी आसानी से बना दी है। अब हम बनाएंगे नीचे का घेरा। ये हो गया हमारा ऊपर का पार्ट, अब हम बनाएंगे नीचे का घेरा। तो ये देखिए ये जो है इसमें हम इधर से भी लेस लगाएंगे, ये देखिए हम इधर से भी लेस लगाएंगे ऐसे करके, फिर ऐसे करके पूरा यहाँ से नीचे लेस लगाएंगे जैसे हमने इसमें लगाया, फिर उसको और इधर से भी लगा देंगे। इधर दोनों तरफ से लगाएंगे, दोनों तरफ से लेस लगाएंगे और नीचे से भी लगाएंगे। फिर उसी तरीके से पहले हम ऐसे लगा देंगे, फिर उसको ऐसे करके अंदर को पाइपिंग की तरह फोल्ड कर देंगे। ये देखिए मैंने चारों तरफ से लेस लगाकर उसको पाइपिंग की तरह अंदर मोड़कर ऊपर से सिलाई कर दी है मैंने यहाँ पे। ये देखिए अब मैं यहाँ पे यहाँ से जो किनारे का हिस्सा है यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और फिर यहाँ से हम ऐसे करके चुन्नटे बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करेंगे, छोटी छोटी चुन्नटे, पास पास चुन्नटे बना देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम पूरी चुन्नटे बना देंगे। देखिए अगर आप प्लेट्स ऐसे ऐसे करके जो चुन्नटे देने के लिए बताया ना मैंने आपको, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ऐसी प्लेट्स भी बोलते हैं, अगर ऐसी प्लेट्स नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चौड़ा बखिया कीजिए। चौड़ा बखिया करने के बाद उसको तागे को खींच देते हैं, जैसे किनार से ऐसे ऐसे खींच देंगे ना तो हल्का हल्का ऐसे ऐसे हो जाता है चुन्नट, उसको भी चुन्नट बोलते हैं। तो तागा इधर से भी खींचें और इधर से भी खींचिए और फिर उसको आगे जब हम खींचेंगे तो वो ऐसे 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 चुन्नटें बन जाती हैं, वो तरीका भी है। लेकिन मैं यहाँ पर जो चुन्नट की बात कर रही हूँ प्लेट्स ऐसे वाली की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे तो मैं ऐसे वाली प्लेट्स, ऐसे वाली चुन्नट डालूंगी, ऐसी वाली प्लेट्स डालूंगी मैं, ठीक है। ये देखिए मैं ऐसे वाली प्लेट्स डालूंगी पास पास में। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने घेरा बना दिया है, ये देख रहे होंगे आप, ये बना दिया है मैंने, यहाँ पे मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। अब मैं इसको
इसके साथ सिल दूंगी ऐसे करके, जो ऊपर के जो चोली है इसको ऐसे करके पूरे घेरे के साथ यहाँ पे, ये देखिए इस लेस को ऐसे करके पूरा ऐसे करके सिल दूंगी मैं यहाँ घेरे के साथ। देखिए मैंने इसमें घेरा लगा दिया है, ऐसे घेरा लगाने के बाद ये ऐसे दिखेगा। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। अब हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे, यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट कैसे बनाएंगे, हमने ये लेस ली है, इसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे और ऐसे करके इसको सिल देंगे, ऐसे फोल्ड करके पूरी यहाँ से सिलाई लगा देंगे ऐसे करके। फिर से बताती हूँ मैं आपको, ये लेस को अंदर को ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको ऐसे करके फोल्ड करके पूरा यहाँ से सिल देंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ से ऊपर से फोल्ड किया और ऐसे करके सिल दिया है। ये देखिए ये मैंने दोनों तैयार कर ली हैं बेल्ट। अब इन बेल्ट को, ये जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है इसको ऊपर रखेंगे और ये जो दूसरा हिस्सा है फोल्ड किया हुआ हिस्सा हम ऊपर रखेंगे और ये जो खुला वाला हिस्सा है इसको हम बेल्ट इसको हम यहाँ पे सिलेंगे। ये जो ऊपर का और ये नीचे का जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे सिलेंगे। ये देखिए ऊपर वाले हिस्से में सिल सकते हैं, ऊपर वाले हिस्से में ऐसे सिल के सिलाई लगा दीजिए आप दोनों तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कान्हा जी का फ्रॉक बनाया है, आप भी ऐसे ही बना लिए, बहुत ही आसान है। आपने भी देखा होगा, ये देखिए कितना सुंदर बना है। तो ऐसे ही आप बनाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। मैं और भी नई वीडियोज़ लाऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए बाय।